नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आपने अब तक कई चमत्कारों के बारे में सुना होगा, कई बार देखा भी होगा कि जमीन में खुदाई करते वक्त कुछ ऐसी चीजें निकलती हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। वो चीजें जो कई बार इतिहास को फिर से दोहरा देती हैं, तो कई बार इतिहास ही बना जाती हैं। तो कई बार ऐसे चमत्कार देखने या उनकी कहानियां सुनने के बाद लोगों की आस्थाएं बढ़ जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ इस बार भी, जब खेत में खुदाई के दौरान बजरंगबली की मूर्ति निकल आई। बस फिर क्या, यहाँ से शुरू हुआ आस्था का दौर। जैसे जैसे खबर फैलती गई, दूर दराज से लोग बजरंगबली के दर्शन के लिए मौके पर पहुंचने लगे। ताजा घटना भोपाल से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित गांव बरखेड़ी अब्दुल्ला की है। आपको बता दें कि ये खेल एक महात्मा का है, जो यहां काफी समय से आश्रम बनाने की तैयारी भी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि मिनाल रेसिडेंसी निवासी मन्नत बाबा प्रसिद्ध संत हैं। उन्होंने काफी समय पहले गांव बरखेड़ी अब्दुल्ला में 4.50 एकड़ जमीन खरीदी थी। साथ ही 4-5 साल पहले उन्होंने वहां पर एक बड़ा यज्ञ भी किया था। वहीं गुरुवार शाम को करीब 4 बजे जब खेत के आसपास पौधे लगाने के लिए जेसीबी से गड्ढे खोदने का काम किया जा रहा था, इस दौरान पत्थर से बनी हनुमान जी की प्रतिमा नजर आई। मूर्ति निकलने के बाद जंगल में आग की तरह आसपास फैल गई, जिसके बाद वहां लोगों का तांता लगना शुरू हो गया, जिसके चलते वहां पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि बजरंगबली की मूर्ति को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि मूर्ति प्राचीन है। हालांकि भगवान की मूर्ति महात्मा की निजी जमीन से निकली है, इसलिए इस मामले पर किसी तरह का कोई विवाद होने की आशंका नहीं है। उधर जमीन से बजरंगबली की मूर्ति निकलने की खबर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई है, जिसके चलते लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा होने की आशंका भी जताई जा रही है। वैसे ये पहला मामला नहीं है जब जमीन से किसी भगवान की मूर्ति इस तरह निकली हो। इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं, जिनमें से कुछ ने तो मंदिरों का रूप ले लिया और एक ऐतिहासिक जगह के तौर पर जानी जाने लगी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।